हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु मौर्य, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट फॉर एसएससी, बैंक एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो दोस्तों, शुरू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आपको आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट जो टॉपिक है, इसे मैं कोशिश करूँगा कि चार पार्ट्स में बनाऊँ। इसका मतलब यह है कि चार वीडियोस बनाऊँगा मैं, और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। सो डैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे ना बने, ये 5 से 6 मिनट के अप्रोक्स बनाऊँगा मैं, और ऐसे चार वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ठीक है, जैसे कि हमारा अप्रोच शुरू से ही रहा है, हम रूल बेस्ड करेंगे। रूल ऊपर लिखा होगा और उसके पीछे एग्जाम्पल होगा, जो मैंने रूल ऊपर लिखा होगा उसके नीचे उनके एग्जाम्पल दे रखे होंगे। ये एसएससी के बिल्कुल स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग है, जैसे उनका सिलेबस आता है बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम, और एक भी चीज़ फालतू नहीं होगी और एक भी चीज़ मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद और, वर्ब मस्ट बी एडेड एज पर द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को और लगा के जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। चलिए देखते हैं कैसे। किरण और हर सिस्टर्स वर रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो वर्ब क्या है, यहाँ पे वर है। वर किसके अकॉर्डिंग लगी है, और के अकॉर्डिंग, और का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हर सिस्टर्स। ओके फ्रेंड्स, अगले एग्जांपल, ही और हिज सन्स आर कमिंग। अगेन और लगा पड़ा है तो हम क्या देखेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिज सन्स। अगला है हिज सन्स और ही इज़ कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और के नियरेस्ट क्या है, ही। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें लेना क्या है, जैसे और के साथ में तो हमारा, जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ तो और के साथ में किरण भी है और उसके राइट हैंड साइड पे हर सिस्टर्स भी है। तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ कोई रूल तो नहीं है, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इस ज़्यादातर जो और के राइट हैंड साइड पर जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद एंड, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, जैसे कि ही एंड आई आर कमिंग। यहाँ पर आर क्यों आया है, क्योंकि मैं जैसे कि रूल में लिखा हुआ है, दो सब्जेक्ट को अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो आर आएगा। आर इन द सेंस मतलब प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। यू ही एंड आई वर रॉन्ग, अगेन एंड से जोड़ा गया है तो वर ही आएगा क्योंकि प्लूरल है वर। यू एंड ही आर रॉबर्स, ठीक है। तो सिंपल सा समझ आ गया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला रूल। वैन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद एंड, बट दे टॉक अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब मैंने सेकंड रूल में क्या बताया कि अगर एंड लगाओ तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, और रूल ये कहता है अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं लेकिन वो किसी सेम चीज़ की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक्सेप्शन ही मान लो इनको। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड, और सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आना चाहिए था, लेकिन ब्रेड एंड बटर एक अलग अलग चीज़ नहीं है। एंड जरूर लगा हुआ है, लेकिन यूजुअली इन्हें सिंगुलर माना जाता है। इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, ऐसे आपको अगर और चाहिए होंगे तो बता देना मुझे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, माय फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है वो फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, वो आया है, ठीक है। गन्स एंड बैरल्स इज लोडेड, ये भी सिंगुलर होता है। मिनरल एंड वाटर सेक्टर इज़ बूमिंग फास्ट, हॉर्स एंड सैडल इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर अ राइड। तो कुछ चीज़ें हैं जो सिंगुलर मानी जाती हैं, हमें प्लूरल लग सकती हैं लेकिन सिंगुलर होती हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एसएससी में, तो याद रखना। अगला है, इफ़ आर्टिकल इज़ यूज विद फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली, अगर आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हो जा रहा है, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ़ आर्टिकल इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल। बहुत सिंपल है, कैसे देखते हैं। द एक्टर एंड डायरेक्टर हैज़ कम, देखिए यहाँ पे एक्टर एंड डायरेक्टर अलग अलग पर्सन नहीं है, इसलिए सिंगुलर आएगा। और मुझे पता कैसे चला कि ये अलग अलग पर्सन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक्टर के साथ लगा हुआ द, और एंड डायरेक्टर के बीच में कुछ भी नहीं लगा, इससे पता चलता है मुझे कि वो एक ही पर्सन की बात कर रहा है, और जब सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैव कम, अब देखिए यहाँ पे द एक्टर एंड द डायरेक्टर दोनों के आगे क्या लग गया, आर्टिकल, ठीक है, इसलिए
वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगला एग्जांपल है द एक्टर एंड डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर हैज़ कम। अब देखिए आर्टिकल वाले रूल हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे और। मैंने बताया था और के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट में मैंने एक रूल रूल तो नहीं था बट मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में देख लिया करो। राइट हैंड साइड में क्या, द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर का एक सिंगल पर्सन है इसीलिए उसके आगे सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, और क्या है वर्ब, हैज़ कम। ठीक है, द प्रोड्यूसर और द एक्टर एंड डायरेक्टर हैज़ कम अगेन। और क्यों, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट है द एक्टर एंड डायरेक्टर, और ये जैसे कि आपको पता है कि पर्सन की बात हो रही है क्योंकि एक्टर एंड डायरेक्टर के साथ में सिर्फ एक बार दा लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। सिम इन द सेम विद द प्रोड्यूसर और द एक्टर एंड डायरेक्टर हैव कम। ठीक है, ओके। यहाँ पे डायरेक्टर के आगे दा लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे दा है इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, ओके। तो ये फिर चार रूल्स थे, आगे मैं करीब 20 रूल्स बनाऊँगा इसमें, अगला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद, पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।